नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दिलीप आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने नए व्लॉग में और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद में। तो आज का टूर है हमारा अलवर का, और ये टूर मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, मैं टूर कर रहा हूं मेरे ऑफिस के साथियों के साथ में। तो बने रहिए मेरे साथ में और जो मजे मस्ती हम मार रहे हैं साथ में आप देख के इंजॉय करिए। चलो चलते हैं हम अब अलवर को। तो भैया टैंक लबालब करा दो। हाँ लबालब करा दो। ये हमारे भैया हमारे सारथी आज के लिए। क्या नाम है भैया आपका? राधेश्याम। राधेश्याम जी, तो राधेश्याम जी आज हमारे को गाइड करेंगे और हम पीछे बैठ के ऐश करेंगे सारे जने मिलकर। जरूर सर। हैं तो राधेश्याम जी पूरा ट्रिप मजेदार रहने वाला है एकदम। हैं फंटास्टिक सर। तो भैया क्या क्या डाल रहे हो? पेट्रोल डालो डीजल डालो? पानी से नहीं चलेगी? भाई वो करा दे यार, राधेश्याम जी के पैसे कम हो जाएंगे। तो भैया ने मना कर दिया, बोला बोले बोले अभी पानी वाली टेक्नोलॉजी आने में टाइम है, राधेश्याम जी के वो तो फिर उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। और कोई तरीका नहीं है, हम तो दो दो बोतलें लेकर आए हैं साथ में। इसको भी पिलाना है। तो भैया अभी हो गए अपने टंकी फुल और हमने क्या कर रखा है कि ना जबरदस्ती लोगों में कियोस मचाया हुआ कि बस अभी पहुंच गए हम तुम्हारे पास में, और वो सब लोग ना अपनी अपनी जो पिकअप लोकेशन है वहां पर खड़े होकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। और हम यहाँ पर भरवा रहे हैं तेल और पहुँचेंगे अपनी स्पीड से ही। हाँ गालियाँ देंगे बाद में, मेरा ब्लॉग देखने के बाद में वो बोलेंगे यार हमारे को तो जल्दी उठा दिया और खुद लेट आ रहे हैं वहाँ तक। पागल खाना हमारे पास चार पांच बंदे देखो टिकट ले आए हैं भाई। हाँ भाई पागल खाने चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो पागल खाना जल्दी चलो चलो चलो। हाँ भाई पागल खाना कितनी सवारी है? उधर वाली बोतल आगे रखी है। हाँ मैं बोल देता हूँ। दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि ना हम सारे मिलके जा रहे हैं, अभी मैंने किसी भी लोगों का परिचय नहीं करवाया क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि सबकी प्राइवेसी है, उनका अपने राइट्स होते हैं। तो अगर कोई ओके करेगा तो देन मैं आप लोगों को उनके साथ मिलाऊंगा जितने मेरे साथ जा रहे हैं लोग। और मीनवाइल हम लोग पहुँच गए रस्ते में ढाबे पे क्योंकि हमें पता लगा कि इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो भाई पराठे में पराठे ला रहा है हमारी पसंद के, आने दे पनीर का मजे ही मजे, फिर आने दे गोभी और आलू का मजे ही मजे। और हरजीत तू क्या खाने वाला है भाई? हमारे पास ना एक मजेदार चीज हो रहा है, हमारे पास एक मजेदार चीज हो रहा है, हमारे ग्रुप के अंदर में ना तीन चार छोटे छोटे बच्चे हैं और सच बताऊं दे आर रियली क्यूट और कुछ एक तो बातों नहीं हुई है और मजा आ जाता है उनके साथ बात करके। तो उनमें से शायद एक से मिला सकता हूँ। वेदाई इधर इधर अच्छा वो तो बोला है शाही है, कैमरा शाही है वो कैमरा शाही है। चलो कोई नहीं मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो मीन वाला भी पराठा आने दो फिर दिखाते हैं। और आपको जैसे मालूम है कि मैं कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट का ना कोई रिव्यू नहीं देता, और इधर भी मैं कोई नहीं रिव्यू देने वाला, सिर्फ खाने वाले। पनीर का पराठा हो रहा है तुम्हारे पास? पराठे खत्म हो गए? कहाँ पर तुम करें? कराने वो जीवन का
तो मेरे पराठे आ गए हैं कितने? हाँ हाँ कोई नहीं, आगे भी जो आया था भाई, ये वही वाला काम हुआ जो एक बार आप पुष्कर में हुआ था मेरे साथ में। पराठे लिए थे, पराठे थे अपने प्योर राजस्थानी स्टाइल के, भाई घोड़े खुलवा दिए मिर्ची ने तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मिर्ची ने घोड़े बोल दिए भाई, बहुत जोर देते प्योरली राजस्थानी के थे। तो दोस्तों अभी हमारा काफिला बढ़ रहा है भानगढ़ की तरफ को, और भानगढ़ क्यों फेमस है लगभग सभी लोग जानते हैं उसके ऊपर बनी हुई हॉन्टेड स्टोरीज के ऊपर में, जिसको लेकर कितनी मूवीज कितने नाटक और क्या कुछ बने हैं, लेकिन आज तक मालूम नहीं वो हॉन्टेड है कि नहीं है, बट हाँ टूरिस्ट प्लेस ज़रूर है। और अभी हम जा रहे हैं वो देखने, और आप हमारे साथ बने रहे, अभी हम आपको दिखाते हैं हॉन्टेड प्लेस ऑफ राजस्थान। नाउ वी आर होपिंग कि ज़्यादा तेज बारिश ना हो, ऐसी बोछारे चलती रहें तो अपने को काम कोई दिक्कत नहीं है। और हमने यहाँ टिकट ली अभी, और कैमरे की टिकट है हमारी 25 रुपये की, बाकी हमने अपने बाकी मेंबरशिप टिकट ले ली है। ये है एंट्री प्लेस, और बारिश कह रही है कि मैं शुरू होने वाली हूँ, तुमने जो करना कर लो। तो हम लोग अभी अंदर की साइड में प्रस्थान करते हुए, रूही फीलिंग हॉन्टेड? फीलिंग हॉन्टेड? यार पसीना, खासी पसीना निकलने लग रहा है, बट मैं एक बात बताऊँ, मैं खुश हूँ क्योंकि जब हम निकले थे ना वहाँ पर तो धूप हो रही थी, मेरे को ऐसा लगता है धूप ना हो, बारिश हो जाए कोई बात नहीं, छतरी से मैनेज हो जाएगा, है ना। तो हल्की बोछारे से पड़ रही है, बट ठीक है चलेगा इतने में, तो सिर्फ पसीना ही तो पोंछना। तो पहली लुक यहाँ से, यहाँ पे कोई चुड़ैल आंटी रहती थी, पहुंच चुके हैं एंट्री गेट पे। और एंट्री गेट के बाहर एज यूजुअल एक बड़ी सी हिस्ट्री लिखी है जिसकी फोटो लगा दूंगा भाई, मेरे को इंटरेस्ट मिलता है पढ़ने में। आपको जैसे मैंने अपने लिए अपने ब्लॉग्स में बताया कि हिस्ट्री में जरा अपना हाथ ना ज़रूरत से ज़्यादा ही तंग है, लेकिन अंदर चलते हैं, नई नई फोटोज नए नए वीडियोज वी विल जस्ट टेक एंड वी विल शो यू कम। तो दोस्तों हम लोग भानगढ़ के अंदर में आ गए, और यहाँ पर दो तीन जगह पर चार जगह पर अलग अलग मंदिर नज़र आ रहे हैं, और डराने के लिए पुराने पुराने बरगद के पेड़ हैं, एंड क्या लोग कहते हैं अंदर आत्माएं हैं और सुपर नेचुरल पावर्स हैं। फिलहाल तो नेचर बहुत अच्छा है, नेचुरल पावर का तो पता नहीं, नेचर बहुत अच्छा है, दिखाता हूँ मैं आपको। वो जो एक मंदिर है ना, वहाँ एक मंदिर है, जब हम अंदर आए तो बाहर एक हनुमान का मंदिर था, और पुराने पुराने बरगद के पेड़ है, ये देखो ये चोटी वाले पेड़ है देखिए, और हमारे बंदे उधर से आते हुए। तो रूही पहले क्या मंदिर की तरफ जा रही है, हैं? जिधर से मन करे वहीं से रास्ता है, हाँ सही सवाल था और सही जवाब है, जिधर से मन करे उधर से रास्ता है, ऐसे ही होना चाहिए। हमने बोला कि मैंने क्या बताया था कि कॉर्पोरेट लाइफ जितनी हॉन्टेड होती है ना, हमने कहा थोड़ा और एडवेंचर कर दे छुट्टी वाले दिन में, और हॉन्टेड बना दे। हाँ। नहीं मैं खींच लूंगा, पानी का कुंड है, हाँ पुराना तो है,
क्या इसमें कछुआ है? नहीं है। क्या इसमें मछली है? नहीं है। तो हम जाने हैं मंदिर के अंदर, जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था। देखो हिस्ट्री तो मैं किसी की ना बताने लग रहा, लेकिन बंदे तो कुछ ना कुछ। मंदिर के बाद में ये ऊपर वाले कोई और किला सा, उसमें जा रहे हैं हम लोग। और हमारे बंदे उधर ऊपर खड़े हैं टॉप पे, वो करे हुए फोटो खींच रहे हैं वहाँ से। चलो भाई किले में एंट्री मारे। हाँ डाल के ऊपर धीरे धीरे आते हुए, जस्ट लाइक एन एनो। हाँ जरा ध्यान से देखो यहाँ पर ना, मेरे को ना एक हेरिटेज साइट बोल के, ये जो ये बंदा आ रहा है ना सामने दाढ़ी वाला, ये दाढ़ी वाला बंदा इसी ने बोला था भानगढ़ जाएंगे, भानगढ़ जाके साला खंडर दिखा के ले आया मेरे को। भूत कब आएगा? दारू पीने के बाद सब भाग जाते हैं यार। कौन वो जो निकली है बाहर, वो भूत है क्या? कौन सी वाली चुड़ैल है? भाई ये देखो क्या कह रहे हो, कह रहे हो उधर से चुड़ैलें निकली तीन। वो विक्टर का साइन भी बना रही है वो, देखो देखो। भाई कितना हालत बुरी लगती है, हालत कितनी बुरी होगी हमारी। तो भाई 25 डिग्री के अंदर में, धूप के अंदर में करीबन 2-3 लीटर पसीना बहाकर हमने फाइनली हॉन्टेड प्लेस देख ली। और ये बंदा देख लो जिसने भूत दिखाने बदले हमारे भूत बनवा दिया है। यही बंदा था, यही बंदा था, कह रहा भूत दिखाऊंगा हमें, क्या पता हमारी शक्ल में दिखाएगा। सर इसका टायर रिजर्व के गेट पे, और हम लोग सीधा जा रहे हैं पांडुपोल के टेंपल पे। यहाँ से 20 किलोमीटर आगे और गाड़ी की एंट्री लगी, इधर गाड़ी की एंट्री हमने ले ली है। तो भाई जंगल के अंदर में हम लोग निकल रहे हैं, और बच्चे और सब लोग ना पूरे मजे लेते हुए, बंदर भी एक एक्साइटमेंट है और कौवा भी एक एक्साइटमेंट है। तो अभी मैं आगे का सीन दिखाता हूँ आपको। कैसा मजा आ रहा है? एकदम मजा आ रहा है पूरा। इतना मजा। तो राधे खाम जी? हाँ जी सर। फिर शाम मिलेंगे नहीं मिलेंगे यहाँ पे? हाँ जी सर। है? आप नहीं बताते नहीं हमें सब ठीक है, शाम नहीं जाओ यहाँ भी से आप हैं। ये देखना कैसा आ रहा है, इधर वीडियो में देखिए कैसा आ रहा है। पीछे ये क्या लगा भाई? ये माइक है इसका। तो भैया देखो ऐसा है, दो बच्चे उतर के सुसु करने जा रहे हैं, इनको पता नहीं है यार कि यहाँ भालू आ गए तो भी ले जाएगा साथ में। वो भी ले जाएगा साथ में। तो ऐसे ऐसे ना एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है। और देखो वो भाई आ, आ, ये देखो ये बना हुआ तो, तो शेर नहीं होगा। तो राकेश तेरे को मालूम है इसके बारे में कि यहाँ पर हम जिस मंदिर जा रहे हैं उसका इतिहास से क्या लेना देना है?
नहीं पता, इतिहास बहुत कमजोर है। अब मैं बताता हूँ इतिहास से क्या लेना देना है। हमारे जब हम इतिहास में पढ़ते हैं ना, तो जब महाभारत काल में आते हैं हम लोग, तो जब भीम था ना, भीम पूरा का पूरा घमंडू हुआ फिर रहा था कि भाई मेरी तो ताकत बधेरी है। अब पता क्या, भगवान जी ना बारी बारी टाइम देते हैं कि भाई हाँ ठीक है, आपको घमंड उतारने के लिए मैं आता हूँ। तो यहाँ पे श्री हनुमान जी है, उन्हें घमंड उतारने के लिए वो यहाँ से जा रहे थे अपने वनवास के टाइम पे, और वो लेट गए यहाँ पर। तो वो बोलता बंदर यहाँ से सामने से हट, वो हटा ही नहीं, बोला दुम दुम उठाने लगा उसकी, और वो भी नहीं उठा पाया वो। तो यहाँ पे जो अंदर हनुमान जी है ना, वो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है इसीलिए। हाँ, तो वो महाभारत काल के अंदर में यहाँ पे भीम का जो घमंड था वो यही से जंगल में उतरा था। दोस्तों एक छोटा सा लघु शंका वाला ब्रेक लेकर और हम चले वापिस, और सरिस्का के बीच में बागों के बीच में ब्रेक लिया हमने लघु साला। हाथ धोने के लिए भी सिर्फ सुसु ही अवेलेबल था, पानी अवेलेबल नहीं था। भाई थोड़ी देर से पैदल चलते चलते अब हम आ रहे हैं यहाँ पर, और मजे बहुत आ रहे हैं वो देख लो। बहुत गर्मी लग रही है, रुई ठंड लग रही है। गर्मी वाले पहाड़ देखे कभी, पहाड़ पे जाएगी हालत। तो भाई गर्मी में पस्त हो गई हमारी है, और अभी पता नहीं कितनी दूर और चलना है, लगता गेट आ ही गया। तो भाई यहाँ से दर्शन करने मंदिर जा रहे हैं, और रुई तो बाहर आई नहीं अभी। तो दोस्तों अगर जब आप इधर आए ना, इधर आने के बाद में आपने इधर ही कड़ी कचौरी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। और सही बता रहा हूँ मैं, दर्शन करने के बाद ना ये एक ना मान्यता बना लो अपने लिए, कड़ी कचौरी खानी जरूरी है। और ये मेरा दूसरा राउंड चल रहा है, उससे पहले मैं एक बार खा चुका। तो दोस्तों थोड़ी सी और हिम्मत मारी और बोलते कि अभी वाटरफॉल तक चलते हैं। अब आई थिंक 300 मीटर करीब आ गए और 700 मीटर जाना, तो धीरे 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 पहुँच जाएंगे। लेट अस सी कुछ अच्छा देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। तो अभी तो घने जंगल में हम पैदल विचरण करते हुए जा रहे हैं सारे लोग। हैं होगी वॉकिंग, होगी वॉकिंग, वॉकिंग तो चल रहा है वो देखो। कॉफी का बैग लाइए। अच्छा शुगर तो थोड़ा शुगर कंटेंट कम हो गए हैं। मैंने खट्टी टॉफी खाई है। तो दोस्तों थोड़ा 1 किलोमीटर चलकर और फाइनली उस जगह पे आप पहुंचे। रुई तेरे साथ क्या हुआ अभी भी? लंगूर प्रसाद छीन के ले गया। लंगूर प्रसाद का पैकेट छीन के ले गया रुई का। वो टोल टैक्स था? ठीक है ठीक है। कौन कह रहा है? किलोमीटर चलने के बाद में ना हमारे को क्या नज़ारा मिला है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए